आज हम सीरीज़ और शंट फॉल्ट के बारे में सीखेंगे कि सीरीज़ और शंट फॉल्ट किसे कहेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सीरीज़ और शंट फॉल्ट में जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले हम शंट फॉल्ट से स्टार्ट करेंगे कि शंट फॉल्ट किसे कहेंगे। शंट फॉल्ट उसको कहेंगे जिसमें फॉल्ट कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में हो, या फिर कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच में हो, या फिर थ्री फेज फॉल्ट टू ग्राउंड के अंदर हो, उसको कहेंगे शंट फॉल्ट। मीन्स कंडक्टर टू ग्राउंड या फिर दो कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर टू कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच में, जिसको हम लाइन भी कह सकते हैं, दो लाइन के बीच में जो अगर फॉल्ट हो रहा है उसको कहेंगे शंट फॉल्ट। और शंट फॉल्ट को कैसे पहचानेंगे, इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि शंट फॉल्ट के अंदर करंट जो है वो इंक्रीज होगा और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। तो ये शंट फॉल्ट को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि शंट फॉल्ट के अंदर करंट इंक्रीज होगा और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। अब दूसरा है सीरीज फॉल्ट। सीरीज फॉल्ट उसको कहेंगे जिसमें तीनों फेज के अंदर डिफरेंस होगा, मीन्स अनबैलेंस कंडीशन होगा, उसको कहेंगे सीरीज फॉल्ट। मीन्स अनबैलेंस कंडीशन को हम कहेंगे सीरीज फॉल्ट। ये हम भी कह सकते हैं कि अगर थ्री फेज है हमारे पास, ये फेज़ और ये फेज़ ओपन है और इसी के अंदर से अगर करंट पास हो रहा है, ओनली यही सर्किट है, तो इसको हम कहेंगे सीरीज फॉल्ट। और सीरीज़ फॉल्ट के अंदर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और करंट जो है वो डिक्रीज होगा। अब हम ये देखेंगे कि शंट फॉल्ट और सीरीज़ फॉल्ट कौन से। तो शंट फॉल्ट के अंदर उसको हम कहेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट मीन्स डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और थ्री फेज फॉल्ट। ये जो है वो शंट फॉल्ट के अंदर आएगा। और इसको हम सीरीज फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट भी कह सकते हैं, जिसमें जो है वो तीनों फेज अनबैलेंस कंडीशन होगा। तो ये है शंट फॉल्ट और सीरीज फॉल्ट के टाइप्स। इसको हम ये तीनों को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी कह सकते हैं। मीन्स अनसिमेट्रिकल जो है वो शंट फॉल्ट है और सिमेट्रिकल जो फॉल्ट है वो है सीरीज फॉल्ट।